हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू आई यूट्यूब चैनल करियर प्लान मैं आपकी केमिस्ट्री में चाह शैली गुरवानी और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चों मोल कॉन्सेप्ट तो मोल कॉन्सेप्ट की आज की क्लास में बच्चों आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर होने वाला है एंड दिस टॉपिक इज इम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ठीक है किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड कैसे करना है अगर एलिमेंट का परसेंटेज दिया हुआ है या एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है तो मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे बनाना है ये सब हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं सो लेट्स स्टार्ट एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बच्चों अगर मैं मोलिकुलर फॉर्मूला की बात करूं फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे कहा ग्लूकोज सो ग्लूकोज वॉट इज द मॉलिक्युलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज तो हम कहेंगे ग्लूकोज का मॉलिकुलर फॉर्मूला है सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको बताता है कि ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन आइटम है कितने हाइड्रोजन आइटम है कितने ऑक्सीजन है क्लियर तो टेल्स नंबर ऑफ एटम्स जितने भी एटम्स उनकी सही सही संख्या एग्जेक्ट नंबर अगर आपको बता दे दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अब मैं कहूं कि आपको इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर लो तो ग्लूकोज में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का सिंपल रेशियो बना सिक्स रेशियो ट्वेल्व रेशियो से डिवाइड कर दो तो वन रेशियो टू रेशियो सिंपल रेशियो है बच्चों इसका फॉर्मूला बनाओ तो आप कहेंगे सिंपल रेशियो का फॉर्मूला बना सी एच टू ओ तो फॉर्मूला जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बताता है दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और बच्चों जो सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स बताएगा दैट इज दूला तो आपको समझ में आ गया इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम दे दे, दे भाई ग्लूकोज में कार्बन इतने हाइड्रोजन इतने ऑक्सीजन इतने है ना कोई चेंजेस नहीं दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अब सिंपल रेशियो बना दो बच्चों तो सिंपल रेशियो वाला क्या हो गया इंपेरिकल फॉर्मूला लेट सेवन मोर एक्साम्पल सो सेकंड एग्जाम्पल वी आर टेकिंग बेन् सो स्टूडेंट्स बेंजीन का जो फॉर्मूला है दैट इज सी सिक्स एच सिक्स और अगर मैं आपसे कहूं रेशियो फाइन करो सी रेशियो एच सी एच जो है दैट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला तो बेंजीन का एम्पेरिकल फॉर्मूला है सी एच और बेंजीन का मॉलिकुलर फॉर्मूला है सी टू एच सिक्स सिमिलरली वन मोर एग्जाम्पल सपोज वी हैव इथेन तो बच्चों इथेन का जो फॉर्मूला है दी टू एच सिक्स तो सी टू एच सिक्स नंबर ऑफ एटम्स बता रहा है सो दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अब अगर मैं आपसे कहूंगी नहीं सिंपल रेशियो निकालो तो कार्बन है टू हाइड्रोजन है सिक्स तो रेशियो हो गया वन रेशियो थ्री सो अगर मैं मॉलिकुलर फॉर्मूला सॉरी इंपेरिकल फॉर्मूला की बात करूं बच्चों सो इट विल बी सी एच थ्री सी एच फॉर्मूला ऑफ इथे सो दिस इज इंपेरिकल फॉर्मूला एंड दिस इज मॉलिकुलर फॉर्मूला सिमिलरली इफ आई एम टेकिंग इथीन तो बच्चों इथीन है ना एल्कीन तो इथीन है C2H4 और सिंपल रेशियो फाइंड कर लो तो टू टू तो सी एच टू जो है बच्चों सी एच टू है एंपेरिकल फॉर्मूला और सी टू एच फोर क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलरली इथाइन जिसे हम नॉर्मली एसिडाइलिन भी बोलते तो इथाइन या एसिडाइलिन सी टू एच टू सी रेशियो एच निकालो तो सी टू एच टू क्या है

ठीक है तो दिस इज ऑल अबाउट एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अब डेफिनेशन क्या बनेगा सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है बच्चों तो बताओगे एग्जेक्ट नंबर ऑफ एटम तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला टेल्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल तो बच्चों जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बताएगा दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड व्हाट इज इंपेरिकल फॉर्मूला तो इंपेरिकल फॉर्मूला टेल्स सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल क्लियर सो एग्जेक्ट नंबर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल सो वो हो जाएगा इंपेरिकल फॉर्मूला क्लियर अब बच्चों अगर हम ध्यान से देखें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इम्पेरिकल फॉर्मूला में तो देखो ग्लूकोज का मोलर मास निकाल दें ठीक है अब ग्लूकोज का मोलर निकाल मास निकालो और इधर का मोलर मास निकालो तो आप क्या देखोगे अगर इसके इंपेरिकल मास को सिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ग्लूकोज का मोलर मास आएगा ग्लूकोज का मोलर मास फाइंड कर लो बच्चों सो so, ग्लूकोज का जो मोलर मास आएगा, इज़ ग्लूकोस का मोलर मास आएगा 180, ठीक है और सी एच टू ओ है ना इसका एम्पेरिकल मास निकालो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास अगर आप निकालेंगे सो इट विल बी 12 प्लस टू फोर्टीन प्लस सिक्सटीन इट विल बी थर्टी नाउ स्टूडेंट्स वन एटी डिवाइडेड बाई थर्टी जब आप करेंगे यू फाइंड सिक्स यानी मास मास का टाइम कर दो तो आ जाएगा 13 है, और यहां पे है 78, तो अगर आप इसका सिक्स टाइम्स कर दोगे बच्चों यू विल फाइंड सी सिक्स एच सिक्स ठीक है तो मैं कह दू इल मास का एंड टाइम कर दो मोलर मास आ जाएगा क्लियर तो हम एक और फॉर्मूला बना सकते एक और फॉर्मूला क्या बनेगा तो हम कहेंगे देखो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा दैट विल बी एन टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला ठीक है एंपेरिकल फॉर्मूला क्या है सिंपल रेशियो है है ना इसका डबल ट्रिपल फोर टाइम्स सिक्स टाइम्स क्या होगा एम्पेरिकल फॉर्मूले का एन टाइम्स क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो इंपेरिकल फॉर्मूला का एन टाइम्स हो गया मॉलिकुलर फॉर्मूला नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सो एन क्या होगा बच्चों तो एन विल बी मोलर मास मोलर मास डिवाइडेड बाय एंपेरिकल फॉर्मूला मास जो आपका एंपेरिकल फॉर्मूला है उसका मास निकाल दो मोलर मास में इंपेरिकल फॉर्मूले का मास डिवाइड कर लो यू विल फाइंड एन ठीक है और फॉर्मूला फाइंड करना है तो उसको एम्पेरिकल फॉर्मूले को एन से मल्टीप्लाई कर लो यू विल फाइंड मॉलिकुलर फॉर्मूला और मोलिक्युलर हाँ मोलिकुलर फॉर्मूला है ना और मास है तो है, सही, N हो जाएगा, कोई डाउट नहीं आता तो ये आपका क्लियर हो गया बच्चों व्हाट इज मॉलिकुलर फॉर्मूला व्हाट इज एम्पेरिकल फॉर्मुला हाउ विल यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन क्लियर मोलिकुलर फॉर्मूला जो एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बता रहा है जैसे अगर मैं आपसे कहा ग्लूकोज का मॉलिक्युलर फॉर्मूला बताओ यू विल से कार्बन छ है हाइड्रोजन टिक्स है फॉर्मूला बनेगा दैट इज इंपेरिकल फॉर्मूला और एग्जेक्ट तो नंबर तो तो का, का, का जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज मॉलिकुलर फॉर्मूला

तो तीन एलिमेंट है हाइड्रोजन कार्बन और क्लोरीन कार्बन ऊपर लिख देते हैं हाइड्रोजन नीचे लिख देते थोड़ा सही रहेगा C H C एल हाइड्रोजन कितना है 4.07 तो हम मान लेते हैं वेट परसेंट मतलब ओवरऑल पूरा कंपाउंड 100 ग्राम ले लेते है, है ना तो 4.07 ग्राम है हमारे पास हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन हो गया 4.07 ग्राम नाउ कार्बन कितना है तो 24.07 27 सेवन ग्राम्स कार्बन एंड 71.65 वन पॉइंट ठीक है तो कार्बन का वेट आ गया हाइड्रोजन का वेट आ गया क्लोरीन का वेट आ गया नाउ फाइंड मोल तो बच्चों मोल तो आपको फाइंड करना ही आता है मोल इक्वल्स टू मास अपॉन एटम है तो एटॉमिक मास तो मोल इक्वल्स टू मास अपॉन एटॉमिक मास सो कार्बन कितना है 24.27 डिवाइडेड बाय 12 हाइड्रोजन कितना है 4.07 डिवाइडेड बाय 1 और क्लोरीन है 71.65 डिवाइडेड बाय Cl का एटॉमिक मास होता है बच्चों 35.5 ठीक क्लियर ये मासेज हमें पता होने चाहिए कार्बन का एटॉमिक मास है 12 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 Cl का एटॉमिक मास है 35.5 तो जब आपको मोल फाइंड करना है तो मोल इक्वल्स टू मास अपॉन एटॉमिक मास तो आपने क्या क्या करना है 24.27 को 12 से डिवाइड करना सो so 24.27 को जब आप 12 से डिवाइड करेंगे यू विल फाइंड 2.02 यहां हो जाएगा 4.07 और 35.5 का डबल कितना हो गया 71 है ना तो 71.65 तो अगेन यू विल फाइंड 2.01 एप्रोक्स तो बच्चों ये सिंपल रेशियो नहीं है है ना ये तो डेसिमल में अब सिंपल करने के लिए हम क्या करेंगे तो अगली टेबल में आपको लिखना है सिंपल रेशियो अब बच्चों सिंपल रेशियो के लिए आपको क्या करना है इनमें जो सबसे छोटे डिजिट है उसको तीनों में डिवाइड कर दो तो 2.02 डिवाइडेड बाय टू पॉइंट जीरो टू इक्वल्स टू कितना गया वन देन फोर पॉइंट जीरो सेवन डिवाइडेड बाय टू पॉइंट अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा टू और अगेन टू पॉइंट जीरो वन डिवाइडेड बाय टू पॉइंट जीरो वन तो ये आ गया आपके पास वन सो so, अब आपको मिल गया क्या सिंपल रेशियो वन रेशियो टू रेशियो वन अब क्या करेंगे बच्चों सिंपल रेशियो आने के बाद तो देखो यहां जगह बना लेते हैं हम सो so, ये स्पेस बना लिया बच्चों आगे सॉल्व करते हैं तो आपको चाहिए कार्बन रेशियो हाइड्रोजन रेशियो सीएल तो हमने क्या किया जो स्मॉलेस्ट डिजिट थी अच्छा स्मॉलेस्ट डिजिट थी 2.01 है ना तो हम तीनों को 2.01 से डिवाइड कर देंगे बच्चों हालांकि आंसर में कोई चेंज आएगा नहीं ये तो वो तो आपका वन ही है ये टू हो गया और ये वन तो सिंपल रेशियो क्या हो गया वन रेशियो टू रेशियो वन रेशियो टू रेशियो सिंपल रेशियो है वो ही आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला है तो बच्चों एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बना तो हम कहेंगे कार्बन एक है हाइड्रोजन दो है और सी सो इंपेरिकल फॉर्मूला जो है दैट इज सी

आपके पास इंपेरिकल फॉर्मूला मास आ गया आपके पास मोलर मास भी है अब आपको फाइंड करना है एन तो अब हम फाइंड करेंगे एन की वैल्यू सो so, अब एन की वैल्यू फाइंड कर लेते बच्चों, एन क्या था मोलर फॉर मोलर मास मास है एन तो की वैल्यू फाइंड कर लेते तो बच्चों एन इक्वल्स टू तो एन इक्वल्स टू क्या है मोलर मास एन इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन इंपेरिकल मास ठीक है तो मोलर मास था 98.96 और इंपेरिकल मास है 49.5 ठीक है तो 98.96 अपॉन 49.5 तो बच्चों ये अप्रोक्सीमेटली 2 आ जाएगा 49.5 यानी 98 और लमसम 2 आ गया ठीक है अब सिंपल नंबर ही लेना है बच्चों तो देखो ये आ गया 2 नाउ नेक्स्ट क्या था हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट इज एन टाइम्स ऑफ एम्पीरिकल फॉर्मूला तो एम्पीरिकल फॉर्मूला का n टाइम्स कर लेते हैं नाउ एम्पीरिकल फार्मूला क्या था तो एम्पीरिकल फार्मूला था सी एच टू सी एल एंपेरिकल फॉर्मूला है सी एच टू सी एल और एन की वैल्यू आ गई टू तो अब चल सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू एंपेरिकल फॉर्मूला हो गया सी एच टू सी एल का टू टाइम्स तो बच्चों फॉर्मूला बना सी टू एच फोर सी एल टू सी टू एच फोर सी एल टू इज आर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला

तो बच्चों कुछ भी नहीं करना है देखो पहले टेबल बनाएंगे टेबल में सबसे पहले आपको लिखना है एलिमेंट्स तो एलिमेंट है कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आफ्टर दैट यू हैव टू राइट वेट तो स्टूडेंट्स वेट कितना है कार्बन है 34.6 ग्राम्स हाइड्रोजन है 3.85 ग्राम्स और ऑक्सीजन है 61.55 ग्राम्स तो कार्बन का वेट आ गया हाइड्रोजन का आ गया ऑक्सीजन का आ गया नाउ एलिमेंट हो गया वेट हो गया नाउ यू हैव टू फाइंड मोल तो बच्चों मोल का फॉर्मूला आपको पता ही है वेट अपॉन एटॉमिक वेट तो कार्बन का वेट कितना है 34.6 एटॉमिक वेट 12 से डिवाइड कर दो हाइड्रोजन का मास है 3.85 एटॉमिक मास होता है वन उससे डिवाइड कर दो और ऑक्सीजन का वेट है डिवाइड बाय क्या कर देंगे 60. तो यहां से आपके पास आ जाएगा मोल तो बच्चों थर्टी फोर पॉइंट सिक्स डिवाइडेड बाय ट्वेल्व ये आपके पास आ जाएगा टू पॉइंट एट एट दिस इज थ्री पॉइंट एट फाइव और सिक्सटी वन पॉइंट डबल फाइव को सिक्सटीन से डिवाइड करेंगे तो फोर से कम आएगा थ्री के आसपास आएगा तो बच्चों ये भी आपके पास आ जाएगा थ्री पॉइंट एट फोर के आसपास अब आपको क्या करना है मोल आ गए अब एक सिंपल नंबर में इसको कन्वर्ट करना है सिंपल रेशियो लाने के लिए सो सिंपल रेशियो तो बच्चों सिंपल रेशियो के लिए हम क्या करेंगे जो सबसे छोटे डिजिट है यानी कि टू पॉइंट एट एट इसको तीनों में डिवाइड कर देंगे तो टू पॉइंट एट एट डिवाइडेड बाय टू पॉइंट एट एट then 3.85 divided by डिवाइडेड बाय 3.84 divided by एट डिवाइडेड बाय तो अब इसको डिवाइड करो और फाइनल आंसर देखो क्या मिलेगा आपको वन वन पॉइंट थ्री थ्री एंड वन पॉइंट थ्री थ्री अब बच्चों अभी भी ये एक सिंपल रेशियो नहीं है ठीक है तो हम इसको डबल करेंगे या फिर हम इसको थ्री टाइम्स करेंगे और एक सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास है सी आपके पास है कार्बन रेशियो हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन दिस इज थ्री थ्री एंड वन पॉइंट थ्री थ्री डेटा है बच्चों है ना अब आपको क्या करना है इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है डबल करोगे तो होगा नहीं थ्री से मल्टीप्लाई कर लो बच्चों तो अगर इनको थ्री टाइम्स कर दिया तो ये कितना हो गया थ्री और इसका थ्री टाइम्स कर दिया तो ये हो जाएगा फोर और इसका भी थ्री टाइम्स कर लोगे तो ये भी कितना हो जाएगा फोर तो आपके पास जो सिंपल रेशियो है दैट इज क्या बनेगा सिंपल रेशियो से तो इंपेरिकल फॉर्मूला कार्बन कितने हैं थ्री हाइड्रोजन कितने हैं फोर और ऑक्सीजन भी कितने हैं फोर तो जो इंपेरिकल फॉर्मूला है स्टूडेंट्स दैट इज सी थ्री एच फोर ओ और आपको फाइंड क्या करना था इंपेरिकल फॉर्मूला सो दिस इज सी थ्री एच फोर ओ फोर सो मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों एन ऑर्गेनिक कंपाउंड है फॉलोइंग कंपोजिशन कार्बन फोर्टी एट परसेंट हाइड्रोजन एट परसेंट नाइट्रोजन ट्वेंटी एट परसेंट एंड ऑक्सीजन सिक्सटीन डिटरमाइन इंपेरिकल फॉर्मूला आपको क्या करना है एमपेरिकल फॉर्मूला फाइंड करना है अब तो आप सीखे गए बच्चों कैसे कहना है एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे फाइंड करना है सो so, सबसे पहले हम लिखेंगे एलिमेंट सो एलिमेंट्स वी हैव कौन कौन से एलिमेंट्स है कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन आफ्टर दैट इनकी परसेंटेज को वेट मान लेते तो वेट तो देखो कार्बन हो गया फोर्टी एट हाइड्रोजन हो गया 8 नाइट्रोजन हो गया 28 और ऑक्सीजन हो गया 60 तो एलिमेंट हो गया वेट हो गया नाउ मोल्स फाइंड कर लेते तो मोल इक्वल्स टू मास अपॉन एटॉमिक मास तो 48 डिवाइडेड बाय 12 तो ये तो फोर हो गया सिंपल 8 डिवाइडेड बाय 1 तो ये भी आपका 8 हो गया नाउ नाइट्रोजन 28 डिवाइडेड बाय 14 तो ये 2 हो गया और ऑक्सीजन 16 डिवाइडेड बाय 16 मींस ये आपका वन हो गया अब आपको क्या करना है सिंपल रेशियो में लाना है तो सिंपल रेशियो देखो, देखो क्या है? ही तो वन तो से डिवाइड करोगे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है।, है ना तो फोर बायर ही आएगा ये ही आएगा और ये टू और ये वन बिकॉज इट इज ऑलरेडी सिंपल रेशियो अब आपको फॉर्मूला बनाना है सी एच एन एंड ओ तो कार्बन तो है फोर हाइड्रोजन है एट नाइट्रोजन आपके पास है टू और ऑक्सीजन है वन तो जो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला बनेगा इस सिंपल रेशियो से वो एम्पेरिकल फॉर्मूला बनेगा सी फोर एच एट एन टू ओ सी फोर एच एट एन टू ओ so moving to next problem now next problem here students composition of a compound is sodium 14.31% sulfur 9.97 oxygen 69.50% and hydrogen 6.22% then suppose that all hydrogen of the compound all hydrogen atoms of the compound hai, कंपाउंड आर प्रेजेंट एज क्रिस्टलाइजेशन वाटर कैलक्यूलेट मॉलिकुलर फॉर्मुला इफ मोलर मास टी टू तो बच्चों सिंपल जो हमने सीखा था पहले उसके अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे इसको सबसे पहले हमें लिखना है एलिमेंट तो बच्चों एलिमेंट कौन कौन सा है तो एलिमेंट है सोडियम देन सल्फर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट के बाद आपको लिखना है इनका वेट तो सोडियम है 14.31 ग्राम्स मान लेते हैं सल्फर 9.97 ग्राम्स ऑक्सीजन 16.69 सॉरी 69.50 ग्राम्स एंड हाइड्रोजन कितना है 6.22 ग्राम्स क्लियर तो एलिमेंट हो गया वेट हो गया नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है बच्चों मोल्स फाइंड करने तो मोल इक्वल्स टू मास 14.31 अब सोडियम का स्टूडेंट सोडियम का जो एटॉमिक मास है दैट इज 23 हालांकि क्वेश्चन में गिवन होगा बट हमें लर्न भी होना चाहिए सल्फर 32 होता है और ऑक्सीजन होता है 60 सो so, हम क्या कर लेते हैं मोल्स फाइंड कर लेते हैं तो 14.31 डिवाइडेड बाय 23 9.97 डिवाइडेड बाय 32, 69.50 डिवाइडेड बाय 16 और 6.22 डिवाइडेड बाय 1. अब आपको क्या करना है इन सबका आंसर निकालना है तो 14.31 डिवाइडेड बाय 323, इट विल बी 0.62 32 9.97 डिवाइडेड बाय 32 तो देखो थ्री टाइम्स करेंगे ना तो 96 सिक्स तो बैठ ही जाएगा सो इट विल अप्रॉक्स जीरो पॉइंट थ्री वन एंड इट विल बी फोर पॉइंट थ्री सेवन एक बार आप कैलकुलेट कर लो और ये हो जाएगा सिक्स पॉइंट टू टू तो ये हमारे पास इनके वैल्यूज आ जाएंगी फोर पॉइंट थ्री मे बी फोर पॉइंट थ्री फोर अब बच्चों मोल्स फाइंड करने के बाद हम सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपल रेशियो पे आ जाते हैं क्या करना है जो सबसे छोटी डिजिट है यानी पॉइंट थ्री वन इसको डिवाइड करना है सब में टू डिवाइडेड बाय जीरो लिख देते चलो डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट थ्री वन एंड सिक्स पॉइंट टू टू डिडेड बाई जीरो पॉइंट थ्री वन तो बच्चों फर्स्ट जो है दैट विल बी टू दिस इज वन ऑक्सीजन जो है इट विल बी अराउंड अराउंडीन एंड हाइड्रोजन जो है इट विल बी ट्वेंटी तो हमारे पास क्या आ गया सिंपल रेशियो आ गया अब सिंपल रेशियो जो है है ना उससे इंपेरिकल फॉर्मूला बना लेते हैं तो इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा तो देखो सोडियम हो गए टू सल्फर हो गया वन ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास ऑक्सीजन है फोर्टीन और हाइड्रोजन है ट्वेंटी सो so, ये हमारे पास बन गया एम्पेरिकल फॉर्मूला नाउ मोलर मास दिया हुआ है मॉलिकुलर फॉर्मूला बताना है. तो बच्चों पहले एम्पेरिकल मास निकाल लेते तो एम्पेरिकल मास देखो सोडियम ट्वेंटी थ्री मल्टीप्लाई विथ टू सल्फर थर्टी टू ऑक्सीजन इज सिक्स मल्टीप्लाई विथ फोर्टीन एंड हाइड्रोजन इज वन मल्टीप्लाई विद ट्वेंटी तो बच्चों ये हो गया फोर्टी सिक्स नाइन्टी सिक्स एंड वन सिक्सटी एंड सिक्स और 20. तो बच्चे इसको सॉल्व करवा आप तो आपको मिलेगा 322. यानी इंपेरिकल मास और मोलर मास क्या है सेम है तो जो n की वैल्यू है एन क्या होगा मोलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल मास तो देखो मोलर मास भी 322 है और इम्पेरिकल मास भी 322 है यानी एन की वैल्यू जो है, ठीक है अब यही मॉलिकुलर फॉर्मूला यानी एन ए टू एस ओ फोर्टीन और हाइड्रोजन 20 ये ही आपका क्या है मॉलिकुलर फॉर्मूला लेकिन एक चीज बच्चों इस पर और नोटिस करनी है और वो चीज क्या है तो देखो सपोज दैट ऑल द हाइड्रोजन आइटम्स ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन वाटर यानी इसमें जितने भी हाइड्रोजन है वो क्रिस्टलाइजेशन वाटर है है ना? तो हाइड्रोजन कितने हैं ट्वेंटी तो इन ट्वेंटी हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट करो तो वाटर का फॉर्मूला है एच टू ओ यानी एक वाटर में दो हाइड्रोजन है आपके पास बीस हाइड्रोजन है तो वाटर टेन बन जाएंगे एच टू ओ है ना

अब जो रिमेनिंग है that is तो बच्चों यानी कि ये है, .10H2O, ये है. इस compound का, इस composition का का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इंपेरिकल फॉर्मुला कैसे फाइंड करना है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेट्स एग्जांपल So student so next question is, a crystalline compound when heated. It is it's 51.2%. It's like it's 51.2% of mass is dehydrated. By analysis, it was found that percentage composition of dehydrated solid is as follows. Calculate the molecular formula of dehydrated compound. डिहाइड्रेटेड कंपाउंड इफ मोलर मास करना है बिचो कि देखो कंपाउंड का जो भी वेट हो उसका किसलैन कंपाउंडी पॉइंट ऑफ इट्स मास इज डीहाइड्रेटेड मतलब जो पूरे कंपाउंड का मास है ना उसका फिफ्टी वन पॉइंट टू परसेंट मास तो पानी का ही जो डॉट एच टू ओ है वो डॉट एच टू ओ का जो मास है दैट इज पूरे कंपाउंड का जो तुम फॉर्मूला निकालोगे उसका फिफ्टी वन पॉइंट टू परसेंट तो करना कुछ भी नहीं है इस कंपोजिशन से इंपेरिकल फॉर्मूला निकालो फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो फिर उस निका फॉर्मूले का फिफ्टी वन पॉइंट टू परसेंट निकालो कितने वाटर मॉलिक्यूल आते हैं उतने वाटर मॉलिक्यूल कनेक्ट कर दो है ना और आपसे डीहाइड्रेटेड का ही फॉर्मूला पूछा है तो दिक्कत अच्छा कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ डीहाइड्रेटेड कंपाउंड ठीक है तो बच्चों क्या करेंगे हम सबसे पहले इसमें एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड कर लेते हैं ठीक है तो एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड करोगे तो वो डिहाइड्रेटेड कंपाउंड का मास आ जाएगा ठीक है तो आपके पास है एम जी एस और ओ तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं एलिमेंट्स सो एलिमेंट्स में कौन कौन है तो एलिमेंट आपके पास है एक तो एम जी एक सल्फर और एक ऑक्सीजन नाउ Uh, क्या फाइंड करना है हमें एम्पेरिकल मास तो पहले एलिमेंट देन वेट तो बच्चों एम का वेट है ट्वेंटी सल्फर का है ट्वेंटी सिक्स और ऑक्सीजन का है फिफ्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री ग्राम्स नाउ अब मोल फाइंड कर लेते तो मोल इक्वल्स टू मास 20 डिवाइडेड बाय ट्वेंटी फोर सल्फर हो गया 26.66 डिवाइडेड बाय 32 और 53.33 डिवाइडेड बाय 60 तो जब आप इसे फाइंड करेंगे 20 डिवाइडेड बाय 24 दिस विल बी 0.83 ये भी आपका आ जाएगा 0.83 और ये 16 थ्री 48 तो वैसे ही हो गया तो इट विल बी आई थिंक 3. थ्री थ्री हाथ थ्री पॉइंट थ्री थ्री ये इसका आ जाएगा एग्जैक्ट आंसर अब हमें क्या करना है तो अब हमें सिंपल रेशियो फाइंड करना है तो बच्चों सिंपल रेशियो के लिए जो स्मॉलेस्ट डिजिट है यानी कि पॉइंट एट थ्री है ना दिस इज फॉर एम जी देन सल्फर के लिए भी क्या करना है पॉइंट एट थ्री डिवाइडेड बाई पॉइंट एट थ्री और सल्फर के लिए भी क्या करना है जीरो पॉइंट एट थ्री डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट एट थ्री और ऑक्सीजन के लिए थ्री पॉइंट थ्री थ्री डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट एट थ्री सो दिस इज वन दिस इज एंड दिस इज फोर हम्म इज फोर ठीक है तो आपके पास एम जी एस और ओ का सिंपल रेशियो आ गया एम जी रेशियो सल्फर रेशियो ऑक्सीजन वन रेशियो वन रेशियो तो बच्चों ये आया हमारे पास एम जी फोर ठीक है तो ये हो गया हमारे पास क्या इंपेरिकल फॉर्मूला एमजी फोर अब हम इंपेरिकल मास फाइंड कर मास तो बच्चों Mg का तो हो गया ट्वेंटी फोर सल्फर का थर्टी टू ऑक्सीजन का सिक्सटीन इंटू फोर तो सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर एंड सिक्स सेवेंटी 100 एंड 120 तो बच्चों ये मास आएगा आपके पास 120 और मोलर मास भी आपके पास कितना है 120 यानी n की वैल्यू 1 है यानी जो एंपेरिकल फॉर्मूला है वो ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके पास आ गया कितना तो हम कहेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है 120 तो बच्चों एंपेरिकल मास हो गया 120 और मॉलिक्यूलर मास देख ले तो मोलिकुलर मास भी कितना हो गया 120 क्योंकि एन की वैल्यू आपके पास आ गई वन अब देखो ये कह रहा है कि जब कंपाउंड को हीट करें तो परसेंट मास जो है वो डिहाइड्रेटेड होता है यानी पूरे कंपाउंड का मास्रेड है 100 है, है ना, का अगर फिफ्टी है तो 51.2 क्या हो जाता है डिहाइड्रेटेड तो 51.2 वाटर बन के इवॉल्व हो जाता है तो डिहाइड्रेटेड का मास कितना है तो डीहाइड्रेटेड कंपाउंड का मास मैं ले लू डिहाइड्रेटेड कंपाउंड का मास तो देखो ओवरऑल अगर 100 है तो उसका 51.2 पार्ट जो है वो वाटर है तो डीहाइड्रेटेड मास कितना हो गया 49 और 48.8 हो गया तो देखो इफ कंपाउंड कंपाउंड का मोलर मास या कंपाउंड का मास जो है वो 48.8 है देन वॉटर तो अगर डिहाइड्रेटेड कंपाउंड कितना है 48.8 है है ना ऐसे लिख के मोलर मास नहीं लिख के मैं लिख देती हूं इफ डिहाइड्रेटेड कंपाउंड मास मासहाइड्रेटेड कंपाउंड मास इज 48.8 तो बच्चों वाटर कितना है 51.2 पार्ट वाटर है, ठीक तो है। तो डिहाइड्रेटेड कंपाउंड अगर 48.8 है, तो वाटर वाला पार्ट कितना 51.2? अब अगर डिहाइड्रेटेड कंपाउंड, डिहाइड्रेटेड कंपाउंड का जो मास है, मान लो वो 1 है, तो वाटर कितना हो जाएगा 51.2 डिवाइडेड बाय 48.8? और अगर डीहाइड्रेटेड कंपाउंड का मास तुम्हारे पास कितना है बच्चों 120 है ना क्योंकि n की वैल्यू तो 1 है तो 120 एंपेरिकल मास है मोलर मास तो इफ 120 पार्ट अगर डीहाइड्रेटेड कंपाउंड का है तो वाटर कितना हो जाएगा 51.2 डिवाइडेड बाय 48.8 120 तो आप इसको सॉल्व करेंगे 51.2 डिवाइडेड बाय फोर्टी एट पॉइंट एट मिलेगा बच्चों आंसर 126 तो यहां आपको मिलेगा बच्चों तो का मास आया बच्चों 126 अब थोड़ी जगह बना लेते हैं हम इसी बोर्ड पे क्योंकि एक ही पेज पे क्वेश्चन होगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा अब बच्चों देखो एक वाटर का मोलर मास होता है एटीन एच एक वाटर का मोलर मास कितना है 18 आपके पास कितना है 126 तो देखो वाटर के मोल्स निकाल दें हम क्योंकि वाटर का मास तो आई गया 126 डिवाइडेड बाय क्या कर लेंगे आप 18 तो उसको काट दो तीन से काट लें आ जाएगा आपके पास सेवन तो जो वाटर के मोल्स है दैट इज सेवन और आपका फॉर्मूला क्या है एम फोर तो डिहाइड्रेटेड फॉर्मूला तो है एम जी एस ओ फोर और हाइड्रेटेड कंपाउंड का फॉर्मूला तो हम क्या करेंगे हाइड्रेटेड कंपाउंड के फॉर्मूले में क्या करेंगे वाटर ऐड कर दो तो एम फोर डॉट कितने वाटर ऐड करेंगे सेवन एच टू ओ क्लियर तो आपका आंसर हो जाएगा एम फोर डॉट सेवन एच टू ओ तो बच्चों नई चीज सिर्फ इतनी सी थी आपके पास कंपाउंड का मोलर मास था है ना आपको ये ध्यान रखना था कि परसेंटेज में वाटर 51.2 है यानी पूरा हाइड्रेटेड कंपाउंड 100 है तो वाटर 51.2 और डिहाइड्रेटेड कंपाउंड कितना है 48.8 तो डिहाइड्रेटेड 48.8 तो वाटर 51.2 डिहाइड्रेटेड 1 तो वाटर 51.2 डिवाइडेड बाय 48.8 और ओवरऑल डिहाइड्रेटेड मास कितना था 120 तो आपके पास वाटर मॉलिक्यूल का मास आ गया 126 अब 126 को तुमने मोल में कन्वर्ट कर लिया तो वाटर के मोल आ गए 7 तो डिहाइड्रेटेड फार्मूला है MgSO4 है ना और formula क्या हुआ एन जी एसओ फोर डॉट सेवन एच टू ओ कलियर अब आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया थोड़ा डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन इन विच द मास परसेंटेज मास आयरन एंड ऑक्सीजन आर सिक्स नाइन पॉइंट नाइन एंड थर्टी परसेंट तो बच्चों देखो जो ध्यान रखने लायक चीज है वो है आयरन का मास तो है 56 और ऑक्सीजन का मास है 60। अब सेम पैटर्न से क्वेश्चन करना है, एलिमेंट मास एंड मोल्स तो बच्चों एलिमेंट हो गया आयरन दूसरा हो गया ऑक्सीजन मास हो गया 56 सॉरी मास हो गया 69.9 नाइन ग्राम्स और 30 ग्राम्स अब मोल फाइंड करने तो गिवन मास 69.9 एटॉमिक मास 56 गिवन मास 30 और एटॉमिक मास 16 अब इसे आप सॉल्व करेंगे फटाफट सॉल्व कीजिए तो आपको मिलेगा 69.9 डिवाइडेड बाय 56 ये हो गया 1.248

1.248 आई थिंक ये 1.5 के अराउंड होना चाहिए बच्चों तो दिस इज 1.5 ठीक है अब सिंपल रेशियो ले आते हैं आयरन रेशियो ऑक्सीजन वन रेशियो वन तो एक से तो आएगा नहीं बच्चों उसको डबल कर ले तो टू रेशियो थ्री तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज Fe2O3। टू ओ थ्री दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आयरन ऑक्साइड तो so आंसर हो गया हमारा Fe2O3 आपको ध्यान रखना है सिंपल रेशियो लाना है देखो एक पे डेढ़ है तो उसको डबल कर दिया दो तो ये कितना हो गया तीन है ना तो वन पे वन पॉइंट फाइव है तो टू पे थ्री दैट्स वाई फॉर्मूला इज एफ तो बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही आज के लेक्चर में हमने सीख लिया मॉलिकुलर फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला उनका डेफिनेशन उनको फाइंड कैसे करते हैं है ना और कंपो कंपोजिशन दिया हुआ परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ कंपाउंड का तो मॉलिकुलर फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला मोलर मास इंपेरिकल मास कैसे डिटरमाइन करते हैं एन कैसे फाइंड करते हैं तो आई थिंक आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आ गया होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला कैसे फाइंड करना है तो बच्चों अब आपके पास जो स्टडी मटेरियल है जो शीट्स है या जो आपके पास बुक है उसमें मोलर मास एम्पेरिकल मास के क्वेश्चन खुद ट्राई कीजिए और अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में बुक का नाम क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगी तो आई थिंक आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा अच्छे से समझ में आया होगा अगर अच्छे से समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में परसेंटेज कंपोजिशन पे डिस्कस करने के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय